नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी के अलावा हनुमा बिहारी और आर अश्विन की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी के दम पर भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में सफल रहा। इसी के साथ चार मैचों की सीरीज अभी भी एक एक से बराबरी पर है। अब सीरीज पर कब्जा करने के लिए दोनों टीमों की नज़र ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट मैच पर होगी। मेजबान ने भारत के सामने जीत के लिए 407 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारत ने पूरे दिन बल्लेबाजी की और दूसरी पारी में 5 विकेट पर 334 रन बनाए। टीम इंडिया सिडनी में हार टालने के करीब पहुंची नजर आई और ये सब संभव हुआ चेतेश्वर पुजारा ऋषभ पंत के बीच शतकीय साझेदारी से। 407 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक समय 102 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दोनों ने 148 रन की साझेदारी कर उम्मीद जगाई। पंत ने 97 रन पर और पुजारा ने 77 रन बनाए। पांचवें दिन टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी देखने के बाद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने रिकी पोंटिंग को जमकर ट्रोल किया। दरअसल पोंटिंग से जवाब सवाल के सेशन में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी घोषित करने का सही स्कोर क्या है। इस पर पोंटिंग ने कहा कि इस समय 310 से आगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन वो ईमानदारी से सोच रहे हैं कि भारत दूसरी पारी में 200 रन भी नहीं बना पाएगा। उनके इस जवाब पर सहवाग ने ट्रोल किया और उन्होंने पोंटिंग और पंत की एक तस्वीर शेयर की जो आईपीएल के दौरान की है। पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं। इस तस्वीर में पोंटिंग सीधे देख रहे हैं और पंत एक तरफ से उन्हें देख रहे हैं। बता दें, एक समय भारत के हाथ से मुकाबला निकलता नजर आ रहा था, मगर पुजारा और पंत ने 148 रन की साझेदारी कर एक उम्मीद जगाई और फिर इसके बाद आर अश्विन और हनुमा बिहारी दीवार बन गए। दोनों ने धीमी मगर अहम पारी खेली। हनुमा बिहारी 23 रन और अश्विन 39 रन पर नाबाद रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे। इसके बाद भारतीय टीम 244 रन ही बना पाई। पहली पारी में मिली बढ़त को मेजबान ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 312 रन पर घोषित करके और मजबूत कर दी थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।